समय हमारे साथ में अनीता दीक्षित जी हैं, जो भाईंदर क्षेत्र की है, समाज सेविका है, और अभी हाल ही में जो प्रकरण चल रहा है डॉक्टर हेमंत पाटिल बोगस डॉक्टर मसाला बेचने वाले डॉक्टर का जो प्रकरण चल रहा है, कल तक ये प्रकरण वसई से रिलेटेड था, लेकिन आज ये वसई से बढ़कर मीरा भाईंदर तक भी पहुंच चुका है। मीरा भाईंदर में भी डॉक्टर हेमंत पाटिल जो है कोरोना काल में महानगर पालिका के अस्पताल में एज ए डॉक्टर सेवाएं दे चुके हैं, जहां महानगर पालिका ने उनको 60,000 रुपये महीना चुकाया है। अब सवाल यह है कि जिस डॉक्टर की डिग्री बोगस है उसको एक महानगर पालिका कैसे अपॉइंट कर सकती है, वो सवाल काफी अहम है, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। लेकिन उससे कई अहम चीजें यहां यह है कि वो डॉक्टर डॉक्टर बोलना ही नहीं चाहिए, अय्याश आदमी बोल सकते उसको, कि जिसके सामने महिलाओं की कोई जो महिलाओं की जरा भी सम्मान महिलाओं का नहीं करता था, बल्कि महिलाओं के साथ में अभद्रता करता था। अनीता दीक्षित जी है, इन्होंने पहले ही खुलासा करने की कोशिश की थी, लेकिन जब कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम ने उनको इस चीज से रोक दिया था। अब जब ये प्रकरण खुला है तो एक बार अनीता जी फिर से इस चीजों को आपके सामने रखेगी, हम लागत करते हैं। नमस्ते। नमस्ते मैडम, आप अपना एक बार परिचय दीजिए। मैं अनीता दीक्षित पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल की दो कमेटियों पे हूँ, रुग्ण कल्याण समिति और महिला अत्याचार, और वैसे ही मैं महानगर पालिका की भी रुग्ण कल्याण समिति और पीसीपी एनडीपी में हूँ, प्लस मैं एक संपादिका हूँ, मेरे अपने एनजीओ वगैरह भी है, यूनियन वगैरह भी है, और मैं नेशनल लेवल पे भी बैठी हूँ कमेटियों पे, मैं एक समाज सेविका भी हूँ और मन से पद अधिकारी हूँ मैं। मैडम, हेमंत पाटिल प्रकरण जो है कल तक वसई तक था, आज मीरा भाईंदर में आया है और इसको उजागर करने वाले आप हो, क्या कहेंगे प्रकरण क्या है शुरुआत से? 2020 अप्रैल में हेमंत पाटिल को अपॉइंटमेंट किया गया था, उस टाइम पे आयुक्त डांगे थे, चंद्रकांत डांगे थे, और वेद के अधिकारी थे पड़वल, प्रमोद पड़वल, उपायुक्त थे संभाजी बागमारे। तो इन लोगों ने उस टाइम पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके, कुत्ता भी आया, बैल भी आया, घोड़ा भी आया, सबको उन्होंने अपॉइंट किया, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए, कुछ नहीं देखा गया, क्योंकि उस टाइम पे कोरोना काफी जोर शोर पे चल रहा था, और कोरोना के नाम पे तो आपको पता ही होगा कि कोरोना के नाम पे जो फालतूगिरियां चल रही थी वो तो शुरू से ही चल रही थी। तो उस टाइम पे इसको अपॉइंट किया गया था, और इसको पंडित भीमसेन जोशी में अपॉइंट किया। तो ये जो हेमंत पाटिल है, ये डॉक्टर के नाम पे एक कलम किया, इसको तो डॉक्टर बोलना मतलब डॉक्टरों की तोहिन करना है, तो मैं इसको डॉक्टर शब्द तो मैं इसको यूज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं डॉक्टरों की तोहिन नहीं करना चाहती हूँ। मैं खुद एक मेडिकल सेक्टर से हूँ, और मेडिकल सेक्टर में ही मैं काफी काम करती हूँ, और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे डॉक्टर भाइयों को इस डॉक्टरों का नाम लेके इसको मैं ये मान दूं, क्योंकि मैं अपने भाइयों का नाम बदनाम नहीं करना चाहती हूँ, ये उस लाइक में है कि मैं इसको डॉक्टर बोलूं। नहीं, वो तो ऑब्वियसली जब जाहिर हो जाएगी वो डॉक्टर है ही नहीं, मसाला बेचने वाला है, तो हम उसको डॉक्टर कहेंगे नहीं, मैं भी ये बस अपनी बात में कह चुका हूँ। लेकिन इसका प्रकरण जो है आपके साथ में क्या घटित हुआ था उसके बाद? जब ये 2 अप्रैल में यहाँ पे अपॉइंट हुआ था, उसके बाद इसने एक्चुअली इसका सबसे बड़ा ये है कि आज तक इसका मीरा भाईंदर नगर पालिका में कोई नोंद ही नहीं है कि ये डॉक्टर को अपॉइंट किया गया था। हेमंत पाटिल जब इधर आया था तो ये टिम्बा हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर में फीमेल वार्ड का ही इसने लिया हुआ था, मेल वार्ड में तो इसने कभी भी नहीं गया, मेल वार्ड में ये फीमेल वार्ड में ही रहता था, और इसने टाइमिंग भी लिया था 3 से 10 का, जबकि 3 शिफ्ट है यहाँ पे, लेकिन ये 3 से 10। उस टाइम पे मैं हमेशा हॉस्पिटल में ही रहती थी, क्योंकि पेशेंट का पॉजिटिव पेशेंट जो थे उनका स्पंज करना, उनको मैं उनका काउंसलिंग करती थी कि ये सब कुछ नहीं है। लेकिन जब इसके प्रकरण बढ़ते ही गए, मेरे को एक दिन फोन आया कि दीदी ऐसे ऐसे पेशेंट को बाहर निकाल करके जमीन पे सुलाया गया है। जब मैं हॉस्पिटल में गई और जब मैंने जाकर के देखा तो मैं सबके ऊपर वहां पे चिल्लाई कि ये क्या तरीका है। उस टाइम पे बुखार 104-105 रहता था पेशेंट को, और पेशेंट को ऐसे जमीन पे सुलाया गया, ना उसको बेड सीट दी गई है, ना कुछ दिया गया है। तो मुझे उन्होंने स्टाफ जो का मेरे गार्ड थे वहां पे स्टाफ थे, वो स्टाफ गार्ड ने और हाउसकीपिंग वही सबने कहा कि दीदी डॉक्टर ने डॉक्टर पाटिल ने किया। मतलब कौन है वो पाटिल? तो बोला ये है। मेरे को ये किसी एंगल से डॉक्टर नहीं लग रहा है। एक डॉक्टर का जो एक रुतबा होता है वो बहुत अलग होता है, लेकिन इसका मैंने शुरू से मेरा एक ये था कि ये डॉक्टर है ही नहीं। तो फिर उसने मेरे स्टाफ जो मेरे गार्ड थे, मेरे हाउसकीपिंग की मेरी जो महिलाएं हैं, उन सबसे उसने मेरा नंबर लिया, मेरा नंबर लेकर के मेरा घर का एड्रेस लिया, मेरे घर तक पहुंचा।
फिर बाद में मुझे कॉल पे कॉल करने लगा और काफी अश्लील भाषा यूज करना, अश्लील मैसेज भेजना, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह करने लगा गंदे गंदे। तब भी मैंने उसकी कंप्लेंट्स मैंने जाकर के डांगे को कि पड़वल जी से मैंने कहा कि पड़वल भाई देखिए ऐसा ऐसा है, बहुत गलत हो रहा है, अगर एक डॉक्टर बनकर के जो बैठा हुआ है, जो आपकी नजर में डॉक्टर है मेरी नजर में नहीं है, लेकिन वो इस तरह से कर रहा है तो गलत है, और उसको अपने फीमेल वार्ड में ही रखा हुआ है, उसका वार्ड चेंज करो, और उसको इधर से मतलब ये गलत चीजें हो रही है। आस्ते आस्ते गार्ड लोगों को, हाउसकीपिंग सिस्टरें, सिस्टम मैनेजर, डॉक्टर, नए नए जो अपॉइंट हुई थी लड़कियां, उन सबके साथ भी वही करने लगा, मुझे तुमसे शादी करनी है, मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव चलो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो हर किसी से प्यार करता था, उसको हर किसी से प्यार होता था, ऑलरेडी 5 बीवियों का हस्बैंड था, फिर भी उसकी भूख मिटती नहीं थी औरतों के साथ, जो गलत तरीके से बात करता था, जो गलत उसका बिहेवियर था, लेकिन उस पे कभी भी मीरा भाईदर पालिका ने उस पे कभी भी उसको नजरअंदाज करते गए, उस पे लगाम नहीं कसी कि हाँ भाई इसके ऊपर रोज कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमारा स्टाफ कंप्लेंट कर रहा है, एक जो समाज सेविका है जो कमेटियों पे बैठी है वो कंप्लेंट कर रही है, उन लोगों ने उल्टा मुझे प्रेशराइज किया, डॉक्टर पड़वल डांगे और जो बागमारे बैठे हुए थे संभाजी बागमारे, मैंने जब डॉक्टर पड़वल से मैं बोलती थी भाई ऐसी ऐसी बातें करता है, बदतमीजी करता है, तो हंसते थे, उनके लिए वो एक मजाक था, मतलब एक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, जो गलत तरीके से उनके साथ गलत बातें की जाती थी वो उनके लिए बहुत अच्छा लगता था, वो उस चीज को मजाक समझते थे। फिर मैंने इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की, मैंने महिलाओं को पहले पुलिस स्टेशन में भेजा था, उधर मनीषा पाटिल थी, मनीषा पाटिल ने उन लोगों को कोई रिस्पांस नहीं दिया, बाद में मैं आई, मैंने मनीषा पाटिल को बोला तू भी एक लेडीज है, मैं भी एक लेडीज हूँ, ये भी एक महिला है, अगर महिला के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार हो रहा है तो उस पर हमें एक्शन लेना चाहिए, तो उसको फिर मैंने कंप्लेंट दी, तो कंप्लेंट के ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ सॉरी। उसके बाद मैं सदानंद दादेसर से मिली, जो पुलिस कमिश्नर आयुक्त में है, मैं उनसे मिली और उनको मैंने जाकर के मैंने वीडियो पर मैंने वो सारे क्लिप्स बताए कि देखिए सर ये मुझे इस तरह से मैसेज करता है गंदे गंदे, और ऐसे ही काफी स्टाफ के साथ भी इसी तरह से वो कर रहा है, तो डॉक्टर के नाम पे वो एक तरह से कलंक है, और उसको मीरा भाईंदर महानगर पालिका के हॉस्पिटल पे रखा गया है, तो ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने तुरंत पुलिस स्टेशन में फोन किया और वहां पे मेरी कंप्लेंट्स वगैरह के ऊपर थोड़ा मुझे बुलाया वगैरह गया, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उल्टा हेमंत पाटिल ने पैसा दिया पुलिस डिपार्टमेंट को मुझ पे गुनाह दाखिल करने के लिए कि ये इसके ऊपर गुनाह दाखिल करो, ये मेरे पे ये मुझे टॉर्चर कर रही है, जबकि उसको हम लोग कोई टॉर्चर नहीं, एक ही था कि जो महिलाओं के साथ कर रहे थे उसकी मैं बारंबार कंप्लेंट कर रही थी कि इस चीज को कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए और इसको सस्पेंड किया जाए, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब यहाँ पे राठौड़ा आयुक्त राठौड़ा आए हुए थे, आईएएस अधिकारी थे वो, तो उनको जब मैंने कहा कि मैंने कहा भाई मैं आपकी एक बहन हूँ, अगर आपकी बहन के साथ ऐसा होगा तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा और मैंने उनको सारे मैसेज बताए, मैंने लेटर्स बताए कि मैंने ये कंप्लेंट्स की हुई है पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो ये आयुक्त राठौड़ थे इन्होंने क्विक एक्शन लिया और उसको सस्पेंड किया। आगे क्या होगा? उसको सस्पेंड करने के बाद भी उसको 60,000 रूपए सैलरी दी जाती थी, किस बात की सैलरी दी जाती थी, महिलाओं को टॉर्चर करने के लिए, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उसको 60,000 रूपए नगर पालिका महानगर पालिका सैलरी देती थी क्या? और मेरा तो कहना यही है कि डॉक्टर पड़वल और जो आयुक्त थे डांगे और बागमारे इनके ऊपर भी गुनाह दाखिल किया जाए, क्योंकि इन लोगों को इन लोगों ने पब्लिक की जिंदगी के साथ खेले, ऐसे लोगों को डॉक्टर बना करके, जो मसाला बेचने वाले थे जो फर्जी थे, उनको डॉक्टर की डिग्री नहीं थी कुछ नहीं था, उनको डॉक्टर का पद दे करके उन लोगों ने पब्लिक के साथ भी गलत किया हुआ है, पब्लिक के साथ भी धोखाधड़ी हुई है। और जो 60,000 रूपए उसको सैलरी दी जाती थी वो नगर पालिका अपनी जेब से नहीं देती थी, वो पब्लिक का पैसा जाता था। यह सब मुद्दे हम अपनी जगह है, लेकिन दूसरी ये चीज जैसा अपने आपने बताया कि आप कमिश्नर साहब से भी जाके मिले, कमिश्नर दादा साहब से भी, उसके बाद भी प्रशासन ने नहीं सुनी, तो इसके पीछे क्या कहा जाए? ये बहुत बड़ा सिंडिकेट है क्या? ऐसे अपराधियों को प्रशासन ही पैदा कर रहा है? ऐसे अपराधियों को प्रशासन ही तो बढ़ावा दे रहा है, इसलिए तो ये सब हो रहा है। अगर कानून और शासन इन लोगों के ऊपर पहले से एक्शन ले तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे महिलाएं काफी सुरक्षित है, जब कानून और शासन और प्रशासन ही गलत है,
भ्रष्ट अधम महिलाएं कहाँ से सुरक्षित होंगी आप बताइए मुझे। अभी चल के मनसे ने इस बारे में एक निर्देशन किया था और कुछ आयुक्त को अभी के आयुक्त को पत्र वगैरह लिखा था, क्या विषय ऐसा है? हमारे जो 145 के विधानसभा अध्यक्ष है संदीप प्राणी सर जी, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया था। मनसे के हम सब लोगों ने मिलकर के जो एक्शन लिया तो आयुक्त को एक लेटर दिया गया है। अगर जो इसके जो सूत्रधार है डॉक्टर पडवल डांगे और बागमारे, इनके ऊपर अगर पुनः दाखिल नहीं हुआ तो ये सही बात है कि हम मनसे स्टाइल से हम लोग महानगर पालिका में धरना देंगे और वहां पर मनसे स्टाइल से जो भी होगा हम मनसे स्टाइल से उसके ऊपर एक्शन लेंगे। एक चीज और मैंने किसी और वीडियो के माध्यम से देखा, जो आप जिनकी बात कर रहे हो आपके विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने एक सवाल उठाया कि कई ऐसे निजी अस्पताल है जो संचालित हो रहे हैं, वो निजी अस्पताल जो है उनका रजिस्ट्रेशन का उसका पता नहीं है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहिए? ये सही बात है कि काफी यहाँ पे मीरा भाईदर में ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे उन लोग को फायर की परमिशन नहीं है, टाउन प्लानिंग की परमिशन नहीं है, फिर भी वो हॉस्पिटल धड़ल्ले से चल रहे हैं क्योंकि उनको नगर पालिका का पूरा श्रेय है, इसके लिए चल रहे हैं, उनका आशीर्वाद है, इसके लिए हॉस्पिटल चल रहे हैं। और काफी प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी जो डॉक्टर है, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डॉक्टरों की लिस्ट दी जाती है वो अलग होती है और वहाँ रियल में डॉक्टर उधर कोई और ही होते हैं। आपकी पहली और आखिरी मांग क्या है? मेरी पहली और आखिरी मांग यही है कि ऐसे जो बोगस लोग हैं इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ये सब इस ढंग से जो कारोबार चल रहा है, लोगों की जिंदगियों से खेला जा रहा है, इनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर करके इनकी रजिस्ट्रेशन रद्द की जाए। तो ये हम बात कर रहे थे कि अनिता मैडम से और अनिता मैडम ने किस तरह से इस पूरे मामले को अभी उजागर किया, किस तरह से हमारे प्रशासन की इन्होंने पोल खोली है कि क्या प्रशासन नाकाम है, कहां कहां प्रशासन की थी। जहां एक तरफ लोगों को ये डराया जाता है, क्षेत्रवासियों को डराया जाता है कि अगर हम इस तरह से कार्रवाई करेंगे तो हमको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, हमको अधिकारी नहीं मिलेंगे, तो आगे जाके क्षेत्रवासियों को परेशानी होती है, ये भावनात्मक रूप से किसी आवाज उठाने वाले को दबाया जाता है भावनात्मक रूप से और उसी का फायदा उठाकर ऐसे अपराधी लोग जो है खुले आम घूमते हैं, खुले आम घूमने के साथ में अपराध करते हैं। इस डॉक्टर माफ कीजिएगा डॉक्टर नहीं बोलूंगा, इस मसाला बेचने वाले हेमंत पाटिल के जो मामले उजागर हो रहे हैं इसमें इसके द्वारा करीब 9 ऐसे पेशेंट है जिनको इसने जिंदगी भर के लिए अपाहिज बना दिया, तो क्या उनके जिंदगी से इसने खिलवाड़ नहीं किया, ये सवाल बड़ा है। उसके अलावा ये तो था जो पेशा नहीं था उसका वो नाम लेकर काम जो कार्य करता था वह, लेकिन उसके अलावा जैसे खुद अनिता जी हमारे साथ बैठी हुई और उनके अलावा ऐसी कई महिलाएं जिसके साथ में उसने छेड़छाड़ की है, क्या उन सब मामलों में अब पुलिस जो है हर एक महिला का ऐसी महिला का पता लगाकर उसका उनका बयान लेगी और इस पर सख्त कार्रवाई होगी, ये आगे देखा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।